मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना अलग चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड, पौधों और जानवरों का भोजन। प्लांट्स गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक कैरियल्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीवरेजेज एंड ऑयल्स। जो पौधे होते हैं वो हमें अलग अलग प्रकार का भोजन देते हैं, जैसे कि बच्चों कैरियल्स अनाज होते हैं, पल्सिस दालें होती हैं, वेजिटेबल्स आपको पता है सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स फल होते हैं, बीवरेजेस होते हैं जो हम पेय पदार्थ जैसे कि होते हैं चाय, कॉफ़ी, बियर आदि वगैरह, एंड ऑयल और तेल होते हैं जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, और सरसों का जो तेल होता है वो होता है, और बहुत सारे बादाम का तेल होता है। बट हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देमसेल्व्स, लेकिन ये पौधे जो होते हैं अपने लिए कैसे भोजन बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बच्चों, पता हो तो। दस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए हम पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रोड्यूसर। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देयर लीव्स, वे जो अपना भोजन बनाते हैं वो एक हरा पदार्थ होता है उसके अंदर, उन पत्तियों के अंदर उनकी उपस्थिति के कारण बनाते हैं उनकी सहायता से। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्लोरोफिल, इन पदार्थों को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद ए प्रोसेस नेम्ड फोटोसिंथेसिस, जो हरे पौधे होते हैं वो उनका भोजन खुद बनाते हैं, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है प्रकाश होता है, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है, सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टूगेदर, अपने एक साथ मिलाना, उसको बनाना। रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, जड़ें जो होती हैं वो हरे पौधों की क्या करती है, पानी को सोखती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं, एंड मिनरल फ्रॉम सोइल, और क्या करती हैं जो मिनरल्स खनिज लवण होते हैं वो मिट्टी से उनको सोखते हैं। द स्टेम कैरीज इट अपवर्ड टू द लीव्स, और जो तना होता है वो क्या करता है, वो उनको ऊपर लेके आता है पत्तियों के अंदर। हु प्रिपेयर्ड फूड, जो भोजन बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अब जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों को जो पानी वगैरह खनिज लवण किससे मिलते हैं, स्टेम के द्वारा मिलते हैं, जड़ों से। फिर जो पत्तियाँ होती हैं क्या करती हैं, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर वो क्या करती हैं, वो भोजन बनाती हैं पौधे के लिए। द फूड, दिस फूड इज़ यूज बाय द प्लांट टू गेट एनर्जी, यह जो भोजन होता है वो पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, विच इज़ यूजफुल फॉर देयर ग्रोथ, जो कि उसकी ग्रोथ उसकी वृद्धि में सहायक होता है। यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स, आपने किसानों को देखा होगा एडिंग मैन्योर्स, खाद डालते हुए मिट्टी के अंदर। इट प्रोवाइड्स, ये क्या देता है, खाद क्यों डालते हैं किसान, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट्स देता है उसको, पोषण देता है प्लांट्स पौधों को, एंड हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड, और पौधे की जो है सहायता करता है उसके भोजन बनाने में। एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो यूजुअली स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में, पौधे के अंदर एक्स्ट्रा फूड क्या जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, फ्रूट्स पत्तियों में, फलों में, लीव्स पत्तियों में, सीड्स बीज के अंदर, और स्टेम तने के अंदर, और रूट ऑफ द प्लांट और पौधे की जड़ों में। तो बच्चों आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।